ईद का दिन हो या कोई और दिन हो, हमारे जवान सरहद पे पेट्रोलिंग उनकी जारी है। तो आज आके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एक्चुअली पेट्रोलिंग करते कैसे हैं और ये कितना मुश्किल काम है, बिकॉज़ आप देख रहे हैं कि कितना हैवी इन्होंने इक्विपमेंट भी उठाया हुआ है, वेपन भी उठाया हुआ है। और ये सरहद है और सरहद के उस पार ये नज़र रख रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है, कुछ भी अनटुवर्ड हैपनिंग हो, ये उस पर नज़र रखते हैं। और ज़ाहिर है इस तरह हमारी हिफाजत होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़रा मुझे भी सिखाएं ये कैसे करते हैं। जी हम पेट्रोल करते हैं रूटीन के मुताबिक, ठीक है, अपना फेंस चेक करते हैं, अपने इलाके पर नज़र रखते हैं। ठीक है, मैं देख रही थी आप फेंस, मैं दूर से देख रही थी आप फेंस भी चेक कर रहे थे कि कोई इसमें गैप वगैरह तो नहीं है, कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। जी बिल्कुल, हम फेंस चेक करते हैं, कोई ऐसा कोई डैमेज हो या कोई ख़राब हुआ हो, ठीक है, हम वो रूटीन मुताबिक चेक करते हैं। अच्छा, कितनी देर की पेट्रोलिंग होती है, कितना लंबा रास्ता होता है और कितना टाइम लगता है? बस ये तो हर एक पोस्ट पर अपना वो इलाका होता है, ठीक है, पोस्ट टू पोस्ट हम पेट्रोल करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो पेट्रोलिंग होती है तो अभी आप आए हैं, कितने देर लगी है, कितना ड्यूरेशन कितनी थी, घंटा दो घंटा? तकरीबन घंटा। अच्छा, आपके साथ ये दूरबीन भी लगाए हुए, बायनोक्युलर्स भी, तो इससे चेक करते हैं? जी सर, हमारा इलाका ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ हमें नज़र आ रहा है, मुझे ये उस तरफ अफगानिस्तान है, ठीक है। अच्छा, तो किस किस चीज़ पे आप नज़र रखते हैं? आप रोज़ जब यहाँ पे आते हैं तो आप पहचान लेते हैं कि ये जो बकरियाँ चरा रहा है, ये जाना पहचाना बंदा है, ये तो मैं रोज़ देखता हूँ, तो आप पहचान सकते हैं कि कोई नया बंदा आए? जी बिल्कुल, हम रूटीन के मुताबिक हमारी पेट्रोल होती है, ठीक है, हम अपने इलाके पर नज़र रखते हैं, ठीक है, जैसे कोई मशकूक बंदा हो, मशकूक एक्टिविटी हो रही हो तो हम उस पर नज़र रखते हैं। कितना वज़न आपने उठाया हुआ है ये वॉक करते हुए? बस सिंपल, इतना वज़न नहीं, कुछ नहीं, सिंपल तो नहीं है, काफ़ी वज़न है। जी बिल्कुल होता है। अच्छा, तो सांस चढ़ जाता है क्योंकि ये काफ़ी चढ़ाई भी है? चलते हैं, लेकिन हमारा तो रूटीन है, हम बेशक इधर रहते हैं तो अच्छा, आदि हो चुके हैं, आदि हो चुके हैं, लेकिन सांस नहीं, मतलब कार्डियो तो होता है ना, जैसे ट्रेडमिल पे इंसान को होता है। जी बिल्कुल। और आपने इतना, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, अब मैं देख रही हूँ सुबह से इतनी तेज़ धूप थी, अभी तो थोड़ी सी धूप कम हुई है। धूप है लेकिन हम बस ड्यूटी है, हमारा फर्ज है तो हम कर लेते हैं। अच्छा, आपने वो मिसाल पढ़ी होगी कि स्टेयरिंग डेथ इन दी आई। हम मेजर साहब के साथ बैठे हैं, मेजर फयाज, आपने काफ़ी जगहों पे सर्व किया, आपका भी ये जो बैज है, सियाचिन वाला बैज भी लगा हुआ है। हाउ डज इट फील जब यू आर लाइक यू नो राइट एट द एज, वी आर ऑन द बॉर्डर, टैंक के ऊपर हम बैठे हुए हैं, बट ऑन अ डेली बेसिस हाउ डज इट फील टू स्टेयर डेथ इन दी आई? मैम, जिस तरीके से आपने बात की, सियाचिन में रहा हूँ, देन मैं मोहम्मद एजेंसी में रहा हूँ, ठीक है, पर चनार में बहुत टाइम गुजारा है और यहाँ पे भी एक अरसे से हूँ, डेफिनेटली। लेकिन वो क्या है कि जो चीते होते हैं उनको वो आई बी पे ऊपर ही खड़े होना अच्छा लगता है, तो ये अपनी एक चॉइस है, ठीक है, और हमने इस जिंदगी को सिलेक्ट किया अपने लिए। या इस जिंदगी ने आपको सिलेक्ट किया, या शायद इसने मुझे सिलेक्ट किया, हो सकता है कि वो कहते हैं कि द ओनली द लकी वंस गेट चोजन फॉर दिस जॉब। एग्जैक्टली। अच्छा, सियाचिन अब हम यहाँ पे तो हैं तो बड़ा, आज तो बड़ा अच्छा मौसम है, इट्स नाइस, मतलब बड़ा क्वाइट भी है, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई बात करने के लिए, ना इंटरनेट, ना टीवी, कुछ भी नहीं, और आठ लोग एक इग्लू में बैठे हुए हैं, व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड? देखें, मतलब अगर किसी ने हफ्ता दस दिन गुजारने हैं वहाँ पे सियाचिन में, तो शायद ये बड़ा आपको अट्रैक्टिवनेस फील होए कि बड़ा ज़बरदस्त है, हर तरफ से स्नो ही स्नो है, अपनी उस जगह की वो हैं, लिमिटेशंस हैं, मतलब आप इवन सनग्लास के बिना बाहर नहीं निकल सकते, उसकी अपनी हार्डशिप्स हैं, पर किस सहारे वहाँ बैठ जाते हैं, एक ही होता है कि इस मुल्क को बनाने में लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी मैम, वो जो शहदा थे अगर आप उनको देखें, कोई आसरा नहीं था, मैं तो इन वेपन्स के, अपने जवानों के आसरे पे बैठा होता हूँ, मुझे पता होता है कि आई विल सर्व दिस कंट्री।
लेकिन फिर भी आई वॉन्ट टू गेट टू दिस कि वॉट गोज ऑन इन योर माइंड के मतलब आप वहाँ पे हैं, मतलब आपके घर में कौन कौन है, घर में बीवी बच्चे? मैम मेरे पेरेंट्स हैं, आई बिलोंग टू मंडी बहुदीन, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मैरिड, मेरे तीन बेटे हैं माशाल्लाह। तो लेकिन ये है कि जब मैं गया था सियाचिन में तो उस वक्त तो आई वॉज न्यूली वेड और शादी के कोई महीने बाद मैं कोर्स पे 6 months के लिए चला गया, देन दे सेंट मी टू सियाचिन, बिल्कुल वहाँ से कोर्स खत्म होने का जी उधर चले जाएं। तो ये तो भाभी बेचारी पे पनिशमेंट हुई यहाँ, ये तो अल्लाह उनका भला करे, शी रिमेंड कोऑपरेटिव और जितनी भी लेडी वाइफ्स हैं हमारी, क्रेडिट गोज टू देम के वो हमेशा अपने ऑफिसर्स अपने जवानों के पीछे, क्योंकि हम बड़ी वो टाइम उसके अंदर जो है ना टाइम स्ट्रेन इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, ढेर सारी खुशियाँ मिस कर जाते हैं, ढेर सारे गम मिस कर जाते हैं। 11 महीने न्यूली वेड कपल, हाउ डिड यू स्टे इन टच, मतलब क्या कोई बात बात तो कर नहीं सकते होंगे, क्या क्या तरीका कार होता था? एक टीटी वायर होती थी और उसपे उसपे वो जो है मुझे 3 मिनट के लिए टाइम मिलता था बात करने का। अच्छा, तो मैं 8 बजे बेगम को बताया होता था कि आई विल कॉल और वो बस 3 मिनट्स का होता था टाइम फ्रेम, तो उसमें सलाम हो जाता था। कोई भी तरीका और नहीं होता कि मतलब आजकल तो जैसे मोबाइल फोन्स हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग है, व्हाट्सएप कर लेते हैं, इस तरह का तरीका होता है, उस वक्त और कोई नहीं था, बस टीटी वायर थी। मैम अगर यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी मोबाइल सर्विस नहीं है, यहाँ पे भी हमने किस तरीके से नेट मैनेज किया हुआ है अपने जवानों को थोड़ा सा कि वो कोई इंटरटेनमेंट, कोई टेलीविजन, कोई इस तरह की चीजें देख सकें, तो वहाँ पे तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता, वहाँ पे तो जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेगम के साथ और फादर के साथ, भाईजान के साथ जो मेरी चैट्स थी, कुछ तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे नहीं होएगा कोई किसी किस्म की सर्विस, तो वो 20-25 चैट्स थी, तो वो मैं अपने टाइम में जब वहाँ ऊपर बैठा होता था तो उनको खोल के तो पढ़ता रहता था, और ऐसे ही फीलिंग आती थी जैसे मैं टेक्स्ट सेंड किया एंड समवन हैज सेंट मी द रिस्पांस। अच्छा जी, पुरानी चैट्स खोल के बैठ के पढ़ते थे, खोल के बार बार वही पढ़ते थे। अच्छा जी, अच्छा, इस तरह का था। जबरदस्त, दैट इज बिकॉज़ आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यू नो मर्द है और फौजी है तो उसके तो कोई इमोशन नहीं होंगे, और ये तो मतलब टैंक पे बैठे हुए हैं और आर्टिलरी गन्स चला रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं, तो इनको तो ये तो बड़ा मतलब इनकी तो कोई फीलिंग नहीं होगी, ये तो मेरा ख्याल है फौजियों को लोग इंसान नहीं समझते। नहीं, अगर हमारी फीलिंग्स ना होती तो हम यहाँ बॉर्डर पे बैठ के मुल्क प्रोटेक्ट करते। वाह क्या बात है। फीलिंग्स ही तो हैं जो ले आई हैं कि नहीं इधर ही रहना है, और फीलिंग्स घर से ही चली थी, माँ ने सिखाया था, पेरेंट्स ने सिखाया था, गांव वालों ने, उस्तादों ने सिखाया था, वहीं से तो प्यार हो गया था इस मुल्क से। और सेकंडली ये अगर आप अपने ट्रिप्स में मिलजुल के नहीं रहेंगे, उनको थपकी नहीं देंगे, मेरा अभी यहाँ पे रहते हुए आम पंजाबी या उर्दू स्पीकर और ये पख्तून तो थोड़ा सा वो भी होता है, लेकिन आपने उस चीज़ को भी ओवरकम करना होता है, आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, आप उनके अंदर ही जाके उन्हीं की साथ सो जाते हैं, उनके साथ खेल रहे होते हैं, उन्हीं को इकट्ठे चल रहे होते हैं, आप पेट्रोल साथ में कर रहे होते हैं फेंस के ऊपर, तो वो जब आप सारी जंग आप इकट्ठे लड़ रहे होते हैं, आप जब साथ में चल रहे होते हैं ना, तो आपका एक ओननेस डेवलप होती है, जैसे एक बाप की अपनी औलाद के साथ हो जाती है, तो हमारा कुछ इस तरह के रिलेशन होता है अपने जवान के साथ। वो मेर भट्टी ने कहा था कि ये हमारी ढाल भी हैं और हमारी जान भी हैं, तो वी टेक देम इन द सेम वे। तो आपने पश्तो सीखी है या इनको पंजाबी सिखाई है? मैम दोनों चीज़ों में नाकाम रहा हूँ सो फार। अच्छा, दोनों में नाकाम रहे हैं। बहुत कोशिश की, लेकिन पश्तो से प्यार भी था शुरू से। हाँ, लेकिन सीख नहीं सके। लेकिन नहीं उतना हो सका। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 11 महीने जब आप वहाँ रहे तो आपसे किसी ने नहीं पूछा कि यार तुम ठीक हो, तुम वापस आ जाओ, बस बस क्या करो, आपको किसने धमकी दी? एक्चुअली मैम सारे सीनियर ऑफिसर विजिट करते थे। अच्छा। और सेशन आते हैं विजिट करने के लिए? जी बिल्कुल, ऊपर हाई एल्टीट्यूड बिल्कुल आते हैं जी। अच्छा। पोस्टों पे आते हैं जो फॉरवर्डेड अच्छा। पोस्ट होती हैं उन पे भी आते हैं। आई कैन नरेट वन एग्जाम्पल के कमांडर FCNA ने जब मैं वहाँ पे था 14-15 में, ही विजिटेड माई पोस्ट। अच्छा। एंड अलग फजल से नो, ही इज प्रेजेंट आर्मी चीफ। अच्छा, जनरल आसिम मुनीर वाज द जी, मैं उनकी अच्छा, बात कर। तो ही विजिटेड माय पोस्ट एंड सर वहां पे तब कमांडर थे FCNA के। तो उन्होंने क्या कहा आपको? वंस ही विजिटेड तो वही जो जिस तरीके से एक हम अपनी ब्रीफ देते हैं, ब्रीफ वगैरह देने के बाद तो सर ने बड़ी में एक एक चीज में
He was talking to me like जैसे मेरे अपने कमांडिंग ऑफिसर हूँ. अच्छा. और छोटी छोटी चीजों में मुझे गाइड कर रहे थे कि इसको ऐसे मैनेज करना है, ये अच्छा. चीज ऐसे देख लेना. ठीक. तो मुझे बड़ी पहल, इट वॉज माई फर्स्ट यू नो इंटरेक्शन विद सम सीनियर ऑफिसर. आई वॉज ल्यूटिनेंट. तो और कैसा उनका रवैया कैसा लगा? What is he like as a person? थोड़ा सा he is humble soul. अच्छा. जो मैंने सर को देखा, disciplined humble soul. Discipline. तो जब मैंने बड़े फौजी टाइप लगते हैं, बड़े soldiers, जिसको नहीं कहते soldier ही तो फिर हमारी शान है. हाँ. लेकिन है, ये है कि जिस तरीके से एक पोस्ट थी 21,000 फीट पे मैं बैठा हुआ था. मेरे पास कुछ खिलाने पिलाने के लिए उस तरह से क्रॉकरी वगैरह नहीं थी. अच्छा. बहुत लिमिटेड थी. तो मुझे आज भी याद है K2 वाली बैरल्स रख के तो उनको हमने कवर किया हुआ था. अच्छा. और उसके ऊपर हमने सर को टी ब्रेक सर्व की, जिसको सर ने बड़ी बड़ी जो है मोहब्बत और प्यार से और शफकत के साथ कबूल किया. अच्छा. और काफी उन्होंने रिवार्ड किया. और वो जगह जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान पे जागता पाकिस्तान सुनते होते थे. हाँ. तो हम एक टीवी और एक छोटा वो डिश लेके आए थे और उससे फिर कोई मैच चलते थे तो वो हम रात को K2 वाली किट लगा के वो जनरेटर के अंदर. अच्छा. तो वो फिर हम मैच देखते होते थे. वो FCN कमांडर के वो जो उन्होंने हमें थोड़ी सी वो एप्रिसिएशन की थी तो उससे हमने वो मैनेज की. अच्छा अच्छा, जबरदस्त. सो दैट्स अ नाइस मेमोरी. मतलब आप exactly. आप कह सकते हैं exactly. कि exactly. मैं तो जनरल साहब को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ. सो आई थिंक ये जो कल्चर है कि जो सीनियर है वो थपकी दे, वो ऑब्वियसली मेमोरी बन जाती है. बिकॉज वी डोंट नो कि अब आप माशाल्लाह कहाँ सीनियरिटी में जाएं. तो ये जो जवानों के साथ आपका भी जो रवैया, ये भी मतलब लोग याद रखेंगे. हो सकता है कोई कहे कि ना ये तो हमारे साथ इस पोस्ट पे सर्व कर रहे थे और बड़े हम्बल थे और हमें बड़े किस्से सुनाते थे और बड़े गप बड़ी अच्छी लगाते थे. मैम, अगर मैं ये कहूँ कि वी आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर आर्मी चीफ, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा. और अच्छा. ये चीज़ ऐसे बिल्कुल नीचे जो आखिरी हमारा रैंक है वहाँ तक ट्रैवल करती है. तो इसी वजह से हम एक कड़ी में परोए हुए हैं जितने भी हैं, जितने भी रैंक्स. अच्छा, आप मुझे यू कम अक्रॉस एज वेरी सॉर्ट ऑफ यू नो समबडी जो काफ़ी मतलब इमोशनल भी है और फिर ऑब्वियसली यू नो फौज में भी बड़ी मुश्किल तरीन जगहों पर सर्व किया है. आपको ऐसे हाउ डू यू फील जब आप कहीं सोशल मीडिया में या कहीं न्यूज़ पे या कोई ऐसी कोई बात सुनते हैं या पढ़ते हैं जिसमें कोई ऐसी बात की जाए जिसमें मतलब आर्मी का जो रोल है उसको थोड़ा सा मलाइन किया जाए, या कोई ऐसी कोई बात की जाए जिसे कहें कि जी जो आर्मी तो ऐसी है और आर्मी तो वैसी है, और यू नो आजकल काफ़ी लोगों की जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ी उसमें बहुत तब्दीली आई है, तो आपको कैसे फील कैसे होता है? दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है और बस इतना ही कह सकता हूँ. और जब कोई पढ़ा लिखा बंदा तनकीद करता है तो ज़्यादा दुख होता है. तो आपको कभी कभी बिकॉज आप इतनी डेंजरस जगहों पर सर्व कर रहे होते हैं तो डू यू फील के मतलब आप लोगों की तो ट्रेनिंग ही टू गेट हियर यू हैव टू गो थ्रू सो मैनी हर्डल्स और फिर फैमिली को भी छोड़ना और जिस मतलब कुछ रोल्स के लिए तो आपको जितनी ट्रेनिंग में जो हार्डशिप इंड्योर करनी पड़ती है और बाद में अगर सियाचिन है या कारगिल है या यहाँ पे बॉर्डर पे सर्व करें तो आपको दिल करता है कि आप लोगों को बताएं कि यू डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. और मैं ये समझता हूँ कि कौम को शऊर है, कौम ये समझती है कि उनके ये सपूत, उनके ये बच्चे उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े हैं और उनकी सर्विस में खड़े हैं. इस मदरलैंड की, अपनी आवाम की प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं. तो जब जज्बे के साथ खड़े हैं तो ढोल पीटने की मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. मेरी आवाम में अल्लाह के फजल से 47 से लेके बल्कि उससे पहले भी 40 अगर कर लें तो वहाँ से लेके यहाँ तक 1940 से लेके यहाँ तक आज के दिन तक अगर किसी के वर्गलाने में नहीं आई तो मुझे अल्लाह पर बड़ा भरोसा है कि आंदा भी नहीं आई. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बेसिकली आई थिंक मैंने भी एक इंग्लिश की मिसाल पढ़ी है कि एम्प्टी वेसल्स मेक द मोस्ट साउंड. तो बहुत अच्छी बात की मेजर साहब ने भी कि हमें ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. और अगर कोई सर्व कर रहा होता है और कोई बहुत अच्छी तरीके से दुश्मन का मुकाबला कर रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यू नो 76 ईयर्स प्लस मुल्क कायम है, इंशाल्लाह हम सॉवरेन नेशन हैं और हमारी सॉवरेनिटी इंशाल्लाह कायम उदायम रहेगी और इसी जज्बे के साथ कायम उदायम रहेगी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जो कि ये वैल्यू भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं कि हर शख्स जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी भी बहुत कुछ कर रहा है एंड
वेल अबव एंड बियॉन्ड द लाइन ऑफ ड्यूटी भी बहुत कुछ करता है। और इंशाल्लाह आप भी जहाँ कहीं भी हैं, आई होप कि आपकी ईद भी अच्छी गुजरे। हमारा बहुत प्यारा दिन गुजरा यहाँ पे पोस्ट पे, बिल्कुल पता ही नहीं चला, लेकिन अपनी दुआओं में ज़रूर उन जवानों को, उन अफसरों को, उन माइंड्स को और उन बॉडीज़ को ऑनर करें और उनके लिए दुआ करें जो कि हमारी ईदें महफूज हों, हमारे त्यौहार महफूज हों और हम जहाँ कहीं भी हों हम आराम से सो सकें, हम आराम से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, हम आराम से अपनों के साथ ईदें अपनी मना सकें, क्योंकि बहुत से हमारे भाई हमारे बेटे ऐसे हैं जो कि अपनी ईदें भी कुर्बान कर चुके हैं, अपनी जवानियां भी कुर्बान कर चुके हैं और बड़ी हंसी खुशी ये सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं ताकि हमारा जो अमन है वो बरकरार रहे और हमारी जो शान है और मुल्क और रियासत का जो वक़ार है वो कामयाब रहे। अपनी दुआओं में इनको ज़रूर याद रखें इस ईद के मौके पर। अपना ख्याल रखें, ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफ़िज़।